रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में यहाँ 5 डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नंबर 1, एटीट्यूड टुवर्ड्स फेल्यूअर। रिच माइंडसेट वाले लोग फेल्यूअर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, उसे सीखते हैं और ग्रो करते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग फेल्यूअर को एक हार की तरह देखते हैं और गिव अप कर देते हैं। नंबर 2, परसेप्शन ऑफ मनी। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने पैसों को एक टूल की तरह यूज करते हैं, उसके जरिए कई सारे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, और दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसों को एक सीमित संसाधन मानते हैं जिसे बचाना और बचत करना जरूरी है। नंबर 3, फोकस ऑन गोल्स। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं और डिस्ट्रैक्शन से उलझ जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। नंबर 4, माइंडसेट टुवर्ड्स रिस्क। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं और कोई खतरा नहीं उठाते हैं। नंबर 5, अप्रोच टू लर्निंग। रिच माइंडसेट वाले लोग लाइफ टाइम लर्नर होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है उन्हें सब कुछ पता है और कुछ नया सीखते नहीं है।